कढ़ी पकौड़ा, उसके लिए मुझे चाहिए 1 किलो दही, ये देखें, और 1 प्याली बेसन। अब इसको डाल देती है एक डोल या कोई भी खुला बर्तन लेना आपने, उसमें ना दही को डाल के तो जो है ना रगड़ा दे लेना थोड़ा सा मदाने के साथ। ये देखें इस तरीके से किसकी जो गुठली है ना वो ख़त्म हो जाए, और पानी भी थोड़ा सा डाल लें साथ, और 1 प्याली जाएगा इसमें बेसन। इस तरह से आप जो है ना मैदाने की मसल से या कोई ग्राइंडर से तो नहीं होगा, मैदाने से ही होगा, इस तरह से आपने सारी इसकी जो गुठली है ना वो ख़त्म कर लेनी है। और तकरीबन 8 गिलास जो है ना इसमें पानी डाल लेना आपने, देखें कुछ पहले भी डाला है और कुछ अब डाल लिया। 1 किलो दही थी, 1 प्याली बेसन था, तकरीबन 7 से 8 गिलास पानी। ये देखिए इसके अंदर गुठलियाँ नहीं है कोई, बिल्कुल सही हो गई है ये। और दो जो बड़े वाले प्याज है ना वो भी आप काट लें इस तरह कतलियों में, ज़्यादा बारीक नहीं, क्योंकि थोड़ा मोटा मोटा जो प्याज होता है ना इस तरीके का वो कड़ी में अच्छा लगता है। देखिए इधर ले लेते मिट्टी की पतीली, अगर मिट्टी की नहीं भी है तो आप कोई ले लें, दूसरी ले लें, मैं तो मिट्टी की जो है ना उसमें बनाऊँगी। प्याज डाल दिया इसमें, अब इसमें डाल देते हैं ऑयल 1 से 1.5 कप। अब इसको भून लेते हैं तकरीबन 5 मिनट तक। आप देखिए यहाँ पे 5 मिनट तक जो है ना मैंने भून लिया है, कोई इसका कलर चेंज नहीं किया, बस वैसे मैंने जिसकी जो स्मेल है ना प्याज की वो ख़त्म की है। और 1 से 1.5 चम्मच जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी डाल दें आप। अब इसको भी 2 से 3 मिनट तक जो है ना इसमें भून लेते हैं, इसकी स्मेल है ना वो भी ख़त्म हो जाए। एक तो पता नहीं ये जो चम्मच है ना मुझे इसकी समझ नहीं लगती कि जब इससे मसाला भूनते हैं ना तो इस तरह झाग क्यों बन जाती है। अगर आप में से किसी को पता है ना ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये क्या वजह है, कि ये चम्मच कोई ख़तरनाक तो नहीं है जिससे हम खाना बनाते हैं, लेकिन दूसरे चम्मच से बनाएंगे तो इस तरह झाग नहीं बनती, और इस चम्मच से क्यों झाग बन जाती है इस तरीके से, ये मेरी समझ से बाहर हो रहा है काम। मैंने एक बड़ा वाला टमाटर है वो भी डाल दिया है, और साथ में डाल दूँगी इसके मसाले। ये देखिए मसाले, नमक, सुर्ख मिर्च, सूखा धनिया पिसा हुआ, हल्दी ज़्यादा चाहिएगी इसमें, और अजवैन है ये भी डाल दें अपने हिसाब से आप डाल लें जितनी कढ़ी बना रहे हैं। मैं थोड़ी स्पाइसी बना रही हूँ तो थोड़ा सा पानी डाल दें, मसाला जल ना जाए। अब इस मसाले को भून लेते हैं 10 मिनट तक। मसाला जो है ना वो भून चुका है, ये देखें अभी जो टमाटर थोड़े बहुत है ना बीच में तो वो मैं चम्मच की मदद से ही मसल दूँगी कड़ी बनाते बनाते। अब मैं डाल रही हूँ जो बेसन मैंने डाला था ना दही में वो मैं डाल रही इसमें, तो तकरीबन आपने आधा घंटा जो है जिसको कड़ी को जब उबाल आ जाए ना तकरीबन आपने आधे घंटे तक जो है ना इसको पकने देना है। और इसकी पक जाने की जो निशानी है ना कि ये पक गई है, मैं वो भी आपको बताऊंगी कि क्या निशानी है कि कड़ी जो है ना वो पक चुकी है, इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब जितनी देर ये कड़ी पक रही है ना इधर मैं बना लेती हूँ पकौड़े या टिक्कियाँ, कुछ भी आपने डालना है उसमें डालने के लिए जो मसाला है वो मैं तैयार कर लेती हूँ। हरा प्याज है, दूसरा बड़ा प्याज है पिंक वाला, धनिया है, हरी मिर्चें हैं, अभी मैं इनको ज़रा काट लूँ। इधर हो रही है जी हल्की हल्की आंच पे कढ़ी तैयार, और दूसरी तरफ जो है ना मैं पकौड़ों का सामान है ना जो वो भी तैयार कर रही हूँ। अब एक बॉल में मैंने ले लिया बेसन 1 से 1.5 कटोरी, तो अभी सारे मसाले जो है ना इसमें डाल के तो फिर कर लेते हैं मिक्स। धनिया प्याज, हरा प्याज है, हरी मिर्ची है कुछ, ये सारी मैंने काट के तो धो ली थी, सुर्ख मिर्च है, नमक और अजवैन थी और ज़ीरा था ये भी मैंने डाल दिया, और ये सूखा धनिया जो मैंने थोड़ा सा दरदरा इसको कर लिया है,
अब ये मैंने सारा कुछ डाल के ना तो कर लेना मिक्स, और फिर कर लेते हैं इसका मिक्सचर तैयार। और ज़्यादा आपने पतला नहीं रखना है इसको, बस दरमियाना ही रखना है। ये देखिए हो गया तैयार मिक्सचर भी, तो अब इसको रखते हैं साइड पे। अब ये देखें कढ़ी पक जाने की निशानी ये है कि इसने ऑयल छोड़ दिया ना, इसकी निशानी यही है कि इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो चुका है। अब इससे मैं डालूँगी हरा धनिया कटा हुआ, और 2 से 3 मिनट तक जो है ना इसको मैं पका के तो फिर इसको साइड पे करके तो पकौड़े बना लेते हैं। अभी चलो जी बनाते हैं पकौड़े। इधर मैंने ऑयल रख दिया था पहले से गर्म होने के लिए, तो छोटे छोटे से पकौड़े बना रही हूँ, बड़े वाले नहीं बना रही मैं। चलो जी पकौड़े हो चुके हैं तैयार। ये देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर आया है। तो हल्की हल्की आंच पे इसको भी बनाए कि इसको जो पकौड़ों का कच्चा बना ना वो अंदर से ख़त्म हो जाए। कभी भी तेज़ चूल्हे पे जो है ना पकौड़े ना बनाएं, क्योंकि ऊपर से कलर जो है ना उसका हो जाता है फिर डार्क ब्राउन किस्म का, तो अंदर से रह जाते हैं ये कच्चे। तो हल्की हल्की आंच पे बनाएं तो बड़े मज़े के क्रिस्पी बनते हैं ये। ये देखें इस तरीके से हल्की हल्की आंच पे बनाएं आप, तो सारे मैं निकाल के तो फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये मैंने निकाल लिए बाहर, कलर देखिए इसका कितना ज़बरदस्त आया है, और अंदर तक भी जो है ना पक चुके हैं ये। और इधर मैंने रखी मिर्ची और कुछ ज़ीरा इसको तड़का लगाने के लिए कड़ी को। तो पकौड़े भी तैयार हो चुके हैं, अभी मैं लगा लेती हूँ तड़का। अब इसके अंदर मैंने थोड़ी सी सुर्ख मिर्च डाल दी है, कड़ी का जो कलर है ना इससे काफ़ी चेंज हो जाता है और जायका भी अच्छा हो जाता है। तो अब इसको थोड़ा सा जो है ना पकाएंगे, फिर साथ ही मैंने सूखी जो सुर्ख मिर्ची है ना वो 4 अदद वो भी डाल दी और ज़ीरा भी, और 2 से 3 मिनट जो है ना बस इसको पकाएं और पकौड़े डालें साथ, इसको भी तड़के को भी डाल दें। अभी डाल देते हैं तड़का भी इस पर, बहुत ही मज़े की बनती है ऐसे कड़ी। चलिए तड़का भी डाल दिया, कड़ी पकौड़ा हो चुका है तैयार। तड़के के बाद मज़े मज़े से पकाइए, इस तरह खाइए। अगर आपको कड़ी पकौड़े की रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।